और अब बहराइच से खबर लेते हैं, जहां पर बीती रात भेड़िए ने फिर से हमला कर दिया। भेड़िए ने 45 साल की मुकीमुन नाम की महिला पर हमला कर दिया। घर के बरामदे में वो सो रही थी। महिला के सोते वक्त भेड़िए ने उस पर हमला किया। महिला के चिल्लाने के बाद वो वहां से भाग गया। महसी में आदमखोर भेड़िए की दहशत कायम है। घायल महिला सीएससी महसी में उसका इलाज इस वक्त चल रहा है। हरदी थाना क्षेत्र के सम्मनपुरवा गांव का ये मामला बताया जा रहा है। तो अब जो एक भेड़िया बचा हुआ है वो काफी उपद्रवी हो गया है। कल भी हमने देखा था कि एक महिला को घायल किया था, और आज भी खबर आई है कि बीती रात फिर भेड़िए का हमला हुआ है। 45 साल की महिला पर हमला किया। हालांकि महिला की हालत इस वक्त बहुत अच्छी नहीं है, उसे अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। बताया जा रहा है कि घर के बाहर महिला सो रही थी, तभी भेड़िए ने हमला किया। हालांकि शोर मचाने के बाद भेड़िया वहां से भाग निकला। बातचीत करने के लिए अखिलेश इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, एक भेड़िया बचा है और वो बहुत ज्यादा उपद्रवी हो गया है। बीती दो रातों से हम देख रहे हैं कि लगातार हमले वो कर रहा है। क्या अब तक कुछ उसका कुछ पता चल पाया, जिस महिला को इसने घायल किया उसकी हालत कैसी है? देखिए, जो भेड़ियों का सरदार कहा जा रहा था, लगातार जो हमला करके लोगों को अभी तक शिकार बना रहा था, वही वो भेड़िया है जो अभी वन विभाग की पकड़ से दूर है। और ये भेड़िया लगातार लोकेशन बदल बदल के मासी के अलग अलग इलाकों में हमला कर रहा है। बीती रात भी इसने महिला पे हमला किया है। 45 साल की महिला है मुमकिन, ये अभी सीएससी मासी में इसका इलाज चल रहा है। और सारे हमले गले पे ही हुए हैं, तो ये पुख्ता जानकारी है और डॉक्टरों ने पुख्ता जानकारी दी है कि भेड़िए का हमला है। और यही एक सरदार बचा हुआ है, वन विभाग से पकड़ से दूर है, और यही लंगड़ा भेड़िए का सरदार कहा जा रहा है। लगातार वन विभाग सर्चिंग ऑपरेशन चला रहा है, लेकिन भेड़िया इतना चालाक है कि लोकेशन वो बदल रहा है। आज इस गांव में कर रहा है तो कल किसी और दूसरे गांव में कर रहा है। पिछले मैं बता दूं, 3 दिनों में इसने 4 हमले किए हैं, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। अब लोग खुद अपनी सुरक्षा कर रहे हैं, रात में लोग जग रहे हैं, हाका लगा रहे हैं। तो लगातार उसके बावजूद भी भेड़िया इतना चालाक है कि जिस गांव में लोकेशन वो बदलता है और उसके बाद वो हमला करता है, लोगों को घायल करता है। आपको बता दूं कि 4 मार्च को पहली घटना बहराइच में स्पॉट हुई थी भेड़िए के हमले में, उसके बाद से लगातार हमले कर रहा है, जिसमें आदमी जलाया था। बस हमको जैसे आवा तैसे नटे दाबा, तैसे हम चिल्ला के भाग रोने लगे। तब सबको दौड़े, तब वो भेड़िया माँ जंधरी में पिल गए, पीछे मकई लगी है। भेड़िया ही था? भेड़िया ही था जी। कुत्ता उत्ता तो नहीं था? नहीं जी, कुत्ता उत्ता नहीं, भेड़िया ही थे। तो दरवाजा खुला हुआ था क्या कमरे का? नहीं, दरवाजा तो खुला था तनिक, तो पानी की लेट नहीं रहता, हम कहने के पे बंद कर ले हैं। क्या नाम है आपका? जी दीपू नाम है, माँ दीपू नाम है। दीपू जी, ये कौन है? ये हमारी पत्नी है। क्या उम्र है इनकी? उम्र है लमसम 28 साल। क्या घटना हुई थी? ये सर, ये घर में सो रही थी और तो घर का लेट रही थी, तो घर का पल्ला एक दरवाजा खुला था, उसके पीछे हम बरामदे में हम तख्त पाना डाले सो रहे थे, ठीक। तो हमारी तख्त छोड़ कर वो इनके अंदर पिल गया, ठीक। इनके अंदर पिल गया, तब इनको पकड़ा तो इन्हें आवाज़ दिया, चिल्लाई, तब हम लोग जगते ही थे, तब उठ के लपक के दौड़े, तो हम मोबाइल अपने हाथ में लिए थे, जले हुए, तो हम जला के मोबाइल देखें, तो देखा अपन गेट के सामने उन गेट के पापा निकल चुका रहा, तो हम उनका छोड़ दिया, इनका तुरंत गिर के इनका उठा लिया, ठीक। इसके बाद में फिर पुलिस के पास खबर करी गई, पुलिस पहुँची, पुलिस वाले सौ नंबर बुला कर दी, या वाली एम्बुलेंस बुलाई, मैसेज ले गए, मैसेज से ने वहाँ तुरंत रेफर कर दिया यहाँ पे इमरजेंसी में। तो किस तरह का दिक्कत था, क्या आपने दौड़ाने की कोशिश करी? वो जब वो भाला इनको मार, इनके पे झपेटा करके मार कर वापस जब हुआ है, आप लोग चिल्लाए तभी वो भागा? जब आवाज़ मिला इन्हीं चिल्लाहट में, इन्हीं चिल्लाई जब, तब हम लोग उठे, तो जैसे उठे तैसे मोबाइल दिखाया, तो हमारे गेट के उस पार वो निकल चुका था, हमने उसको हम भी देखा। अच्छा जी, कैसा था वो? जैसे लंबा जो इतना बड़ा है, और आगे का सीना जबर है, मुंह इतना भारी है लंबा, और पीछे का जरा सा हल्का है, और लाल और काला रंग का बाल दोनों मिलाए हुए हैं।
तो आपने सुना कि किस तरह से हमला हुआ इस महिला पर। उसके परिवार वाले भी बता रहे थे कि हमला किया और सीधे गर्दन पर यह हमला कर रहा है। हालांकि अब वन विभाग के लिए ये अंतिम यानी कि जो छठा भेड़िया है वो चुनौती बना हुआ है। अखिलेश का बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अखिलेश, बढ़ते अगली खबर की ओर, बात करते हैं आगरा की, जहां पर ताजमहल या तेजो महल है विवाद के मामले में आज जिला कोर्ट में सुनवाई होगी। एएसआई के पुरातत्वविद आरके पटेल को याचिका में प्रतिवादी बनाया गया है। पिछली सुनवाई में कोर्ट से प्रतिवादी को वाद की नकल पत्र न मिलने का हवाला देते हुए समय मांगा गया था। तेजो महल पर पूजा अर्चना की मांग को लेकर कोर्ट में 23 जुलाई को याचिका दायर की गई थी और आज अब इसी पर सुनवाई हुई है। प्रतापगढ़ से खबर लेते हैं, जहां पर तेज रफ्तार कार ने पिता पुत्र समेत तीन को रौंद डाला, जिसमें पिता पुत्र की मौके पर मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया जिसे अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा। पिता पुत्र दुकान बंद कर घर जा रहे थे, उसी दौरान बेकाबू कार उनको रौंदते हुए मौके से फरार हो गई। लालगंज के मेठावा बाजार के पास यह हादसा हुआ। उन्नाव में रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां पर रोडवेज बस ने पुलिस जीप में टक्कर मार दी। हादसे में पुलिस जीप सवार एक पीआरडी जवान घायल हो गया जिसे जिला हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया। वहीं पुलिस ने रोडवेज बस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। घटना सोहरामऊ इलाके की बताई जा रही है। उन्नाव में रोडवेज बस बेकाबू होकर खाई में पलट गई। बस हरदोई से कानपुर की ओर जा रही थी। हादसे में एक यात्री गंभीर रूप से घायल हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस राहत बचाव कार्य में जुटी नजर आई। गंगा घाट कोतवाली इलाके के आजाद मार्ग पर यह घटना बताई जा रही है। थोड़ा दूर से हटके मारो, थोड़ा दूर से हटके मारो, बहुत दूर से नहीं, पैर मार दो, हाथ मार दो, टूट जाएगा। और बस्ती में बिजली पोल के चपेट में आने से दो किसानों की मौत हो गए। दोनों किसान खेत में काम करने गए थे जहां पर ऊपर से हाई टेंशन तार गुजर रही थी, जिसमें किसान के खेत में लगे बिजली के पोल में हाई वोल्टेज करंट उतर आया जिसकी चपेट में खेत में काम करने गया किसान आ गया। दूसरा किसान उसको बचाने के लिए दौड़ा और वो भी उसकी चपेट में आ गया। दोनों के खेत में मौत हो गई। मथुरा से खबर लेते हैं, जहां पर नरहौली पुल के पास तेज बारिश के चलते हाईवे धंस गया जिसके चलते वहां पर काफी देर तक ट्रैफिक रुका रहा। पुल आगरा से दिल्ली जाने वाली साइड पर धंसा था। पुल धंसने के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया। कड़ी मशक्कत के बाद जाम को खुलवाया जा सका। बदायूं में लगातार हो रही बारिश के चलते एक मकान की दीवार गिर गई। दीवार के नीचे दबकर महिला बच्चों समेत 8 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। उनसावा थाना इलाके के नगरिया अभय गांव की घटना बताई जा रही है। कौशाम्बी में हर्ष फायरिंग का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़का बंदूक से फायरिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। आरोपी पर कई मुकदमे दर्ज हैं, पहले से आपराधिक। कड़ाधाम थाना इलाके के शीतला धाम का यह वीडियो बताया जा रहा है जहां पर एक व्यक्ति किस तरह से बंदूक से फायर करता हुआ दिखाई दे रहा है। यह वीडियो अब वायरल हो रहा है। और गाजियाबाद से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में दो बदमाशों को गोली लगी है। पुलिस ने कुल 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। चेन स्निचिंग की वारदात में ये बदमाश शामिल बताए जा रहे हैं। ये मामला इंद्रापुरम थाना क्षेत्र में हुआ है जहां पर पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई। 2 बदमाशों को गोली लगी है। 3 बदमाश कुल गिरफ्तार करके किए गए। गाजियाबाद के प्रताप विहार सेक्टर 11 में कुछ लोगों में रोड पर गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद हो गया जिसमें कई राउंड फायरिंग भी की गई। फायरिंग के दौरान एक लड़की को गोली लग गई। तलवार और तेजाब के बोतल से भी हमले किए गए। हमले के बाद दोनों आरोपी नईम और शादा वहां से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लड़की को अस्पताल पहुंचाया। केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है।
बस गाड़ी खड़ी थी, एक उसकी भतीजा आ रहा था, उनने हॉर्न बजाया, बाहर निकल के बजाने लग गए। उसमें जो है 15-20 लड़के उसके हैं बादेश आगे, वो सारे घर में से निकल आए तलवारें ले लेकर के और भतीजों को काट दिया। जैसे यहाँ से बड़ा भतीजा गया, छोटे भतीजा गया, सब गए, उन्हें भी सबने जो मारना शुरू कर दिया। और उसके बाद में जब हम सारे के सारे आए तो कट्टा लेकर के आ गया, कट्टे लेकर के 5 गोली चलाई है यहाँ पर, जो एक भतीजी के सर में भी लग गई गोली। और सीतापुर में जीएसटी की टीम ने एक बीज भंडार की दुकान में छापेमारी की। करीब 4-5 घंटे तक दुकान में छापेमारी चली। रिटर्न में गड़बड़ी की सूचना पर यह कार्रवाई की गई। टीम ने दुकान में मिले स्टॉक रजिस्टर को अपने कब्जे में लिया। जीएसटी की रेट से आसपास के व्यापारियों में हड़कंप है। हम लोग इनके रिटर्न की जांच करते हैं, उसमें प्राथमिक रूप से कुछ अनियमितताएं थी, तो उसकी जांच के लिए हम यहां पर आए हैं और जांच जारी है और काफ़ी टाइम अभी लगेगा, तो जांच के पश्चात ही हम अंतिम निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। अभी जब इनके पूरा स्टॉक की हम गणना कर लेंगे तो इनके अकाउंट से उसका मिलान किया जाएगा, तभी उसके पश्चात ही निर्णय लिया जा सकता है कि कितना इनका माल अधिक है या कम है, कितना इनका करपंचन का बन रहा है, जो भी है। और हर बार की तरह इस बार भी न्यूज 18 आपके लिए लेकर आ रहा है हिंदी दिवस के मौके पर हिंदी के सम्राट कॉन्टेस्ट। इस कॉन्टेस्ट में आप भी शामिल हो सकते हैं और जीत सकते हैं ढेर सारे इनाम। स्क्रीन पर दिए QR कोड को स्कैन करें और अधूरे मुहावरे को पूरा करें।